दिमाग में आ गया मेरे, दिमाग में बन गया। फिर ये उलमा क्यों लड़ते हैं आपस में? भाई आप कल किसी से पूछोगे, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आज मैं बहुत ही अहम बात समझाने जा रहा हूँ। पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उलमा नहीं लड़ते। क्या बात, वाह 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 वाह, आपके समझने में फर्क हुआ है। वाह सुभान, जो उलमा होते हैं वो नहीं लड़ते। सुभान, आप समझ गलत रहे हैं, जिंदाबाद। आपने गलत रिवायत कायम कर दी है, ये समझ का फेर है। उलमा नहीं लड़ते, कहां लिखा है कुरान में, कहां फरमाया है नबी ने कि जिनके सरों पे दस्तार बांध दिया जाए और जिनके हाथों में सनद दे दिया जाए वो उलमा है। क्या बात है, वाह वाह। मदरसों का ये दावा करना दस्तार बांध के हाथ में सनद देने से कि ये आलिम हो गए, ये दावा बातिल है। वो दावा करने का ये हक रखते हैं कि ये सनद हमने दी है, ये दस्तार हमने बांधी है, इसलिए कि इन्होंने मदरसे में दाखला लिया और जो हमारा निसाब था उसको मुकम्मल किया है, ये इस बात की सनद है। सुभान अल्लाह, ये सनद इस बात की है कि हमारे मदरसे का जो निसाब है उस निसाब की इन्होंने तकमील की है, हमने उसकी है, उसकी सनद दी है। अब इसके बाद उलमा बनना बाकी है। वाह 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 वाह, तरीका हमने बता दिया है, वो नियम दे दिया है जिससे उलमा बनते हैं, वो रास्ता बता दिया है जिसपे चल के उलमा बनते हैं। इसलिए हुजूर कायदे मिल्लत जिंदाबाद नारे तकबीर, जो रब से सबसे ज्यादा डरे कुरान की नजर में वो आलिम है, वो उलमा है। सुभान अल्लाह, और इसी बात की तफसीर अल्लाह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे यूं फरमाया, अल उलमा उम्मती कांबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल की तरह है। क्या है की तरह है? अरे भाई किस चीज में की तरह है? नबी नबी होता है, उम्मती उम्मती होता है। नबी वो होता है जिससे रब हम कलाम होता है। उम्मती को ये शरफ हासिल नहीं, नबी का मकाम अलग है, उम्मती का मकाम अलग है। और आका फरमाते हैं कि हमारी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल की तरह है। किस चीज में की तरह है? तो प्यारे यहाँ भी उलमा से मुराद वो दस्तार और सनद वाले उलमा नहीं है, ये वही उलमा है जो रब से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं। और वो कौन है? वो उलमा कौन है जो रब से सबसे ज्यादा डरने वाले हैं? वो रूए जमीन पर कोई और नहीं, ये अल्लाह के दोस्त बंदे और या इकराम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैय शेरनिया। और की तरह है इन उलमाओं के बारे में कहा, किस चीज में आता की तरह है? कहा ये उम्मत मुहम्मदिया को ये इजाज हासिल है कि इस उम्मत के उलमा ऐसे होंगे कि जो किसी न किसी नबी के कदम पर सुलूक करेंगे। वाह वाह वाह, इस उम्मत के उलमा को अल्लाह ने यह शरफ बख्शा है कि इस उम्मत के उलमा किसी न किसी नबी के कदम पर सुलूक करेंगे, यानी जिस नबी से जो मौजजा हुआ,
इस उम्मत के किसी न किसी वली से वो करामत की शक्ल में जाहिर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस चीज में की तरह है, इस चीज में की तरह है। अब मुझे बताओ, तारीख उठाकर बताओ, किस वली में झगड़ा हुआ है? ये उलमा है, यही उलमा है, और ये वली अल्लाह है, ये औलिया अल्लाह के दोस्त बंदे हैं। अब बताओ कहाँ झगड़ा हुआ है? बताओ ना, मशाइखीन चिश्त मशाइखीन सिलसिले कादरिया से कोई झगड़ा बताओ, सिलसिले नक्शबंद से सिलसिले सहरवत से कोई झगड़ा बताओ, जितने औलिया दीन है उनमें कहीं झगड़ा बताओ। उलमा में झगड़ा नहीं होता, ये सरल याफ्ता लोगों में जो उलमा बने नहीं है, बनने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, उनमें झगड़ा होता है। इसलिए कि जो उलमा बन जाता है वो आलिम, जो कुरान ने जिसका बारे में जिक्र किया, वो आलिम जिसका जिक्र नबी ने किया, वो कौन होता है? वो ये ला होता है। इसमें झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये सब उस मकाम पर पहुंच जाते हैं कि ये सब देने वाले हो जाते हैं, और देने वालों में झगड़ा नहीं होता, झगड़ा तो सब लेने वालों में है, झगड़ा लेने वालों में है। अरे दुनिया हमारे आपके बीच क्या पूरी दुनिया में फितना ही इसी का है? सब लेने वाले तो कोई है ही, सब लेने के चक्कर में पड़े हैं।